है गाइज, वेलकम टू द एंड्रॉयड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको पोको M3 को कंपेयर करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M11 के साथ। इन दोनों में जो प्राइस डिफरेंस है वो 700 रुपीज़ का है, बट इसमें आपको जो है वो बहुत सारे डिफरेंसेस मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में कि पोको M3 अच्छा है या सैमसंग गैलेक्सी M11। अगर आप एक नॉन चाइनीज़ फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप सैमसंग के साथ भी जा सकते हैं, बट स्पेक्स वाइज जो है वो पोको M3 काफ़ी बेटर जो है वर्क करेगी और उसमें जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा जो है वो रहेगा। तो बहुत ही अच्छा जो है वो वर्क करेगा पोको M3 M11 के कंपेयर में। सो गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों फ़ोन में, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं प्राइस के मामले में। तो पोको M3 जो है उसका प्राइस है 10,999 रुपीज़, और उसमें आपको जो है वो 6GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। वहीं आपको सैमसंग गैलेक्सी M11 है उसका प्राइस है 10,300 रुपीज़, और उसमें आपको 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के मामले में आपको जो है वो 6.53 इंच का जो है आपको डिस्प्ले मिलता है पोको M3 में। फुल HD प्लस डिस्प्ले है जिसका रिजोल्यूशन है 1080x2340 pixels, और उसमें आपको जो वो गोरिल्ला ग्लास 3 से जो है वो प्रोटेक्टेड है, और फ्रंट में आपको जो वो वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है। वहीं आपको सैमसंग गैलेक्सी M11 में जो डिस्प्ले है वो आपको 6.4 इंच का HD प्लस TFT डिस्प्ले मिलता है जिसका रिजोल्यूशन है 1560x720 pixel, और वो जो है वो गोरिल्ला ग्लास 3 से जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। उसमें आपको जो वो मेंशन नहीं किया गया गोरिल्ला ग्लास 3 है या नहीं, और उसमें जो डिस्प्ले है वो भी आपको जो है वो HD डिस्प्ले मिलता है, HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, और डिस्प्ले का साइज़ जो है वो पोको M3 से जो है वो छोटा है डिस्प्ले का साइज़। और उसमें आपको जो है वो पंच होल डिस्प्ले मिलता है, तो फ्रंट में आपको सिंगल कैमरा मिलेगा पंच होल डिस्प्ले के साथ। और अब बात करते हैं कैमरे में। तो कैमरे में आपको जो वो ट्रिपल कैमरा का स्लॉट दिया गया है पोको M3 में, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का जो वो डेप्थ इफेक्ट के लिए लगाए गए हैं, तो 3 कैमरा पीछे लगाया गया है। वहीं आपको सैमसंग गैलेक्सी M11 में जो है आपको पीछे 3 कैमरा लगाया गया है, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ इफेक्ट के लिए कैमरेज लगाए गए हैं। और अब बात करते हैं फ्रंट कैमरे में। तो वाटर ड्रॉप नॉच जो है वो आपको मिलता है पोको M3 में, और उसमें आपको 8 मेगापिक्सल का जो है वो फ्रंट कैमरा दिया गया है। वहीं आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है पंच होल में M11 में, गैलेक्सी M11 में। तो ये हो गया कैमरे का बात। अब बात करते हैं इसमें प्रोसेसर कौन सा मिलता है। तो पोको M3 में जो है आपको स्नैपड्रैगन 662 वाला प्रोसेसर मिलता है, वहीं आपको सैमसंग गैलेक्सी M11 में स्नैपड्रैगन 450 वाला जो है वो प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों ही में आपको जो है वो 60Hz का डिस्प्ले मिलता है। और अब बात करते हैं बैटरी के मामले में। 6000mAh का बैटरी मिलता है, और 18W का फास्ट चार्जर जो है वो आपको इन द बॉक्स प्रोवाइड किया जाएगा। और वहीं आपको सैमसंग में 5000mAh का बैटरी दिया गया है, और उसमें आपको जो है वो 15W का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स प्रोवाइड किया जाएगा। दोनों ही टाइप सी सपोर्टेड हैं, और दोनों ही में आपको जो है वो 2 सिम लगाने का जो है वो स्लॉट मिलता है, और एक जो है वो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है। 1 UI आपको जो है वो सैमसंग में मिलता है, और वहीं आपको पोको में MIUI 12 का जो है सपोर्ट मिल जाता है। ब्लूटूथ, वाईफाई और बाकी सारे सेंसर्स इसमें दिए गए हैं। ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट दिया गया है। सो ये सब जो है आपको ये सब मिल जाता है इन दोनों फ़ोन में। बट फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो आपको साइड माउंटेड मिलता है पोको M3 में, और बैक साइड में आपको जो है वो मिलता है M11 गैलेक्सी M11 में। सो गाइस, दोनों में जो है वो काफ़ी डिफरेंस है। और यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर भी देखने को मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 3 का भी प्रोटेक्शन मिलता है पोको M3 में, और इसमें आपको जो है वो स्नैपड्रैगन 662 वाला प्रोसेसर मिलता है, फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। तो ओवरऑल अगर आप 700 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आपको पोको M3 लेने को मिलेगा। मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, 12 February से आप इसको परचेस कर पाएंगे। तो अगर आप सैमसंग गैलेक्सी M11 में और पोको M3 में कन्फ्यूज़न है आपको, तो आप जो पोको M3 के साथ जा सकते हैं। स्पेक्स वाइज परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा अच्छा जो है वो वर्क करेगी। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।